हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसबी ड्राई क्लीनर में। आज की वीडियो में नॉर्मल जो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे या रोड पे कुछ अड्डे वाले प्रेस करते हैं, तो वैसे ही मेरे पास आज कपड़े आए हैं स्टीम प्रेस करने के लिए। तो आज आपको दिखाएंगे कि अड्डे वाले कैसे प्रेस करते हैं और ड्राई क्लीन वाले कैसे प्रेस करते हैं, दोनों का क्या फर्क होता है, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अड्डे वाले प्रेस करते हैं वो कैसे प्रेस करते हैं, मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। वैसे वो करते हैं, वो जो कोयले की प्रेस आती है उससे करते हैं, मैं आपको वो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। ये फर्स्ट टाइप साइड में मार दिया, वो लंबा हाथ मारते, क्योंकि क्या होता है कि 10 रुपये जोड़ी 5 रुपये जोड़ी में आजकल स्टीम प्रेस मतलब कोयले वाले प्रेस से हो रहा है, और आपको भी पता है कि सर्दी की वजह से कोयला कितना महंगा है, इस वजह से वो लंबा हाथ मारते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे गरीब हैं, उनको भी पैसा बचाना होता है। इसलिए जैसे कि ये हो गया, ये सलवट हल्के हल्के निकाल देंगे। जो हो गया अड्डे वालों की तरह कंप्लीट, इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है और इसको ऐसे लगा देते हैं, ये कंप्लीट हो गया अड्डे वालों की तरह। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारे ट्रैकिंग में कैसे होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रैकिंग वाले कैसे प्रेस करते हैं, क्योंकि वो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं, कस्टमर से चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनकी स्टीम प्रेस होती है और उनका कारीगर होता है, सारे एक्सपेंसेस निकालना होता है, तो इस वजह से वो चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं, और चार्ज भी अच्छा लेते हैं और काम भी आपको अच्छा ही करके देते हैं। जो भी होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो अंतर होता है अड्डे में और एक ड्राईक्लीन की शॉप पे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई
कि आपको भी पता चले कि अड्डे वाले क्या करते हैं और ट्रैकलिंग वाले क्या करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।